प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित और पवित्र उपस्थिति में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ और अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता हूँ कि आपका जीवन बदल रहा है। आपके जीवन में यह चमत्कार परमेश्वर की ओर से हुआ है। आप मुझे अपनी गवाही लिख भेजें और शॉर्ट वीडियो बनाकर भी आप हमारे प्लेटफॉर्म पर भेज सकते हैं, जिससे कि आपकी गवाहियां हम दूसरों तक पहुंचा सके। ठीक जैसे कि बाइबल में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा हम पर आता है तब पृथ्वी की छोर तक वह हमें अपना गवाह बनाता है। यदि आप अपनी गवाहियां हमें भेजेंगे तो आपकी गवाहियां अनेक लोगों के जीवन को बदलेंगी और इस रीति से प्रभु की आशीष आप पे उतर आएगी। आज जो वचन और संदेश परमेश्वर ने मेरे हृदय में दिया है, मैं उसे आपके साथ बांटना चाहता हूं। बाइबल कहती है रोमियो 12 अध्याय 2 पद में, और इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यह परमेश्वर की इच्छा है कि हम इस संसार के सदस्य ना बने। कहने का अर्थ है संसार के जैसा हम जीवन ना जिए। परंतु जबकि हमने प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुन लिया है और अपने पापों से पश्चाताप किया है, हाँ हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, तब हमारे मन को बदलना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर एक नए चाल चलन का आना बहुत जरूरी है। नया चाल चलन हमें सहायता करेगा परमेश्वर की सिद्ध, भली और भावती इच्छा को जानने के लिए। क्या आप नहीं चाहते? क्या आप इस प्रकार से प्रार्थना नहीं करते? परमेश्वर मुझे आपकी इच्छा जाननी है, मैं आपकी इच्छा के विषय में जानना चाहता हूं। ढेर सारे लोग परमेश्वर की इच्छा जानना चाहते हैं। जवाब यहीं पर है। यदि आप इस संसार के सदस्य ना बने परंतु आपके मन के नए होने से अगर आपका चाल चलन बदल जाता है तो आप परमेश्वर की सिद्ध और भली और भावती इच्छा को जान पाएंगे। क्या यह अद्भुत है? परमेश्वर आपको अपनी इच्छाएं बताना चाहता है, केवल तभी जब आपका चाल चलन बदलता है। जब आपका चाल चलन परमेश्वर के मन के मुताबिक होता है। सो कैरेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला पत्रस पहला अध्याय 15-16 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। दिस इज द डिजायर ऑफ अवर हेवनली फादर, कि जो उस पर विश्वास रखते हैं उनका चाल चलन बदलना चाहिए। हाय मैन, उन्हें पवित्रता में, आज्ञाकारिता में परमेश्वर के समक्ष सच्ची भक्ति दिखानी चाहिए। कैरेक्टर मस्ट बी चेंज। ब्रदर सिस्टर, कैरेक्टर इज इंपॉर्टेंट। Your effective prayer is depends on your conduct. आपकी प्रभावशाली प्रार्थनाएं आपके आचरण पर, आपके चाल चलन पर निर्भर है। So character is important. अब परमेश्वर हमारे चाल चलन को बदलना चाहता है। जब तक हम ईश्वर को नहीं जानते थे हम संसार के सदस्य जीवन जीते थे, इसलिए जो कुछ संसार में है उससे प्रभावित होकर हमारा चाल चलन कुछ और ही था। मगर जब हम परमेश्वर से प्रभावित होते हैं, जब परमेश्वर हमें चुन लेता है, हमारा उद्धार कर देता है, तो ये उसकी हार्दिक इच्छा है कि हमारा चाल चलन भी बदलना चाहिए। ब्रदर सिस्टर, यू विल नो गॉड्स परफेक्ट विल व्हेन योर कंडक्ट इफेक्टिव। आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जान पाएंगे जब आपका चाल चलन प्रभावशाली होता है। आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा जान पाएंगे जब आपका चाल चलन परमेश्वर के वचन के अनुसार होता है, प्रभावशाली होता है। बैड कैरेक्टर विल मेक यू वीक स्पिरिचुअली एंड फिजिकली। खराब आचरण, बुरा चाल चलन
आपको आपके आध्यात्मिक जीवन में और शारीरिक जीवन में कमजोर बनाता है। बट द गुड नेचर, गुड कंडक्ट विल मेक यू स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली एंड फिजिकली। पर एक अच्छा आचरण और एक अच्छा चाल चलन आपको मजबूत बनाएगा आपके आत्मिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, आपके शारीरिक जीवन में। कैरेक्टर इज इंपॉर्टेंट, चाल चलन बहुत जरूरी है। व्हाई गुड कैरेक्टर विल मेक यू स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली एंड फिजिकली, बिकॉज द बाइबल सेज आवर गॉड इज अ गुड गॉड, आवर गॉड इज अ गुड गॉड एंड ही इज द स्ट्रॉन्ग एंड ही इज द माइटी लॉर्ड। परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है, भला परमेश्वर है, इसलिए वो सामर्थी है, इसलिए वो अद्भुत है। और जब आपका आचरण और आपका चाचरण साफ होता है, परमेश्वर के मन के मुताबिक होता है, तो ये आपको परमेश्वर से जोड़ता है। आप एक अच्छे व्यक्ति में बदल जाते हैं और ईश्वर आपको एक सामर्थी मनुष्य रूप में बदल देता है। कैरेक्टर इज इंपॉर्टेंट ब्रदर सिस्टर। प्रिय, बाइबल भी यही बताती है कि जब हम परमेश्वर के संग रहते हैं हम सामर्थ्य हो जाते हैं स्पिरिचुअली एंड फिजिकली। इफिसियों 6:10 और 11 पद, 13 से 17 पद तक यह इस प्रकार से लिखा है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब चलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। यू विल बी स्ट्रॉन्ग when your conduct, your nature will be effective. आप सामर्थ्य होंगे जब आपका आचरण, आपका चाचरण प्रभावशाली होता है। वचन के अनुसार जब आप अपना चालचरण बदलते हैं, ये दिखावा नहीं होता है, पर आप अंदर से जब बदलते हैं तब आपके भारी जीवन पर भी ये प्रभाव डालता है और परमेश्वर ऐसे चाचरण का स्वागत करता है। और एक अच्छा चालचलन हमें प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत बनाता है, प्रभावशाली बनाता है। परमेश्वर के वचन सिखाता है जब हमारा चालचलन, हमारा आचरण परमेश्वर के वचन के मुताबिक होता है, तब यह हमें प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनाता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम एक धार्मिकता का जीवन जिए। धार्मिकता का जीवन जीने के लिए हमने अभी जो वचन पढ़ा इफिसियों 6:10 में, हमें उसको समझना अति आवश्यक है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सारे हथियार बांध लें। हमारे युद्ध मांस हड्डी लहू से नहीं है, परंतु आत्मिक अंधकार की शक्ति से है जो आकाश में है। हम उनसे नहीं लड़ सकते जब तक हम अपने चालचलन में नहीं बदलते। परमेश्वर हमें अपने हथियारों से सुसज्जित करना चाहते हैं ताकि हम दुष्ट का सामना कर सके, बुरे दिन में उसका सामना कर सके, उससे लड़ सके, उस पर जयवंत हो सके। और ये है हमारा कैरेक्टर, हमारा चाल चलन। हमें सत्य से अपनी कमर कसनी है, अर्थात जब सच्चाई से हम अपना जीवन जीते हैं, जहां पर कोई झूठ नहीं है, हम सच्चाई का जीवन जीने लगते हैं, तब ये हमें स्पिरिचुअली और फिजिकली स्ट्रांग बनाता है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि हमें धार्मिकता की झिलम पहनकर रहना। We are here to carry righteousness, and this righteousness belongs to God. और परमेश्वर हमें अपनी धार्मिकता देता है जब हम उस पर विश्वास करते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, और हमें मेल मिलाप के जीवन के साथ जीवन को जीना है। ब्रदर सिस्टर, हमें विश्वास को कायम करना है, विश्वास की ढाल को लेकर जीवन को जीना है। हम अच्छे भले दिनों में अपने विश्वास को उपयोग नहीं कर सकते। हम युद्ध के बगैर तलवार का उपयोग नहीं कर पाएंगे। युद्ध में हमें तलवार की आवश्यकता होगी, और यदि हम तलवारबाज ना हो
तो हम कैसे युद्ध लड़ेंगे? उसी प्रकार से जब शैतान हमारा सामना करता है, हमें परेशान करता है, हमें कलेशों में डालता है, तब हम अपने विश्वास के द्वारा उस पर जयवंत होते हैं और हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रेरित होता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, बाइबल कहती है। अभी हमने पढ़ा कि हमें परमेश्वर के वचन को, जो आत्मा की तलवार है, ढाल जो विश्वास है, उन सब बातों को लेकर हमें दुष्ट का सामना करना है। We are in the last days, brother, sister. इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हर एक इंसान बदल जाए। We must be changed. हमें यीशु के स्वरूप और समानता में अपने आप को ढाल लेना है। परमेश्वर इसमें आपकी सहायता करेंगे। यदि आप एक सामर्थ्य जीवन जीना चाहते हैं, तो आपके स्वभाव को बदलना अति आवश्यक है। बहुत से लोग कहते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं इतना वचन पढ़ता हूं, मैं इतनी ऑफरिंग्स देता हूं, इतनी गिविंग्स देता हूं, क्यों मेरे जीवन में चमत्कार नहीं है, मैं क्यों असफल हो जाता हूं? रात और दिन वो आंसू बहाते हैं। ब्रदर सिस्टर, यहां रुककर थोड़ा सोचे, क्या आपका चाचरण बदल गया है? क्या आपने वचन के अनुसार अपने आप को ढाल लिया है? हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, दानों को दे रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, मगर अभी भी आप झूठ बोलते हैं, घमंड करते हैं, स्वयं धार्मिकता का पाप आज भी आपको परेशान करता है, आप आज भी गलत कामों में शामिल हैं। हो सकता है व्यभिचार कर रहे हो सकता है भारी रूप से नहीं, परंतु आपके हृदय में, आपके मन में प्रतिदिन आप व्यभिचार कर रहे हो। स्वभाव बदलना, कैरेक्टर बदलना बहुत जरूरी है। परमेश्वर पवित्र है, वो कहता है यदि कोई मेरे संग रहना चाहता है, उसे पवित्र होना अति आवश्यक है, जिसके लिए स्वयं परमेश्वर ने कहा, अपने संपूर्ण चालचलन में पवित्र बनो। लिखा है क्योंकि पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। पवित्र आत्मा हमें इसीलिए दिया गया ताकि वह हमें यीशु के वचनों पर जीने के लिए सहायता करे, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जीने में हमारी सहायता कर सके। योर इफेक्टिव प्रेयर विल गिव यू रिस्पॉन्स फ्रॉम गॉड एंड यू विल रिसीव दिस इफेक्टिव रिस्पॉन्स फ्रॉम गॉड when your conduct will be changed, when your nature will be changed. जब आपका स्वभाव, आपका चालचलन, आपका आचरण वचन के अनुसार होगा, आप बदल जाएंगे, तब आपकी प्रार्थना प्रभावशाली होगी, ईश्वर तक पहुंचेंगी और कोई दुष्ट आपकी प्रार्थना का सामना नहीं कर पाएगा और परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर आनंद के साथ देंगे। What a joy, brother, sister. Come to cross and pray to Jesus. प्रभु मेरे स्वभाव को बदल दीजिए। इसलिए हमें सत्य से अपनी कमर कसनी है, सच्चाई का जीवन जीना है, हमें धार्मिकता की झिलम पहननी है, हमें righteous व्यक्ति होना है, हमें मेल मिलाप के साथ सबके साथ जीवन जीना है, हमें विश्वास की ढाल को लेकर सामना करना है दुष्ट के जलते हुए तीरों का। और बाइबल कहती है हमें अपने उद्धार को भी प्राप्त करना है, सालवेशन, मेरा उद्धार, मुझे अश्योरेंस होना चाहिए कि मेरा उद्धार हो चुका है। बहुत से लोग यीशु पर विश्वास करने का दावा करते हैं, मगर पापमय जीवन आज भी उनके अंदर होता है, वो आज भी पापों को अंजाम दे रहे होते हैं, वो कभी नहीं कह सकते कि मेरा उद्धार हो गया है। हमें उद्धार का एश्योरेंस होना बहुत जरूरी है और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, हमें वचन के अनुसार जीवन जीना है, परमेश्वर की धार्मिकता से हमें लेस होना है, तब हम बुरे दिन में दुष्ट का सामना कर सकेंगे, जीवन से बढ़कर होंगे और परमेश्वर के राज्य में पहुंचाए जाएंगे। हालेलुया। आपका ट्रबल, आपका स्ट्रगल सिर्फ इसी वजह से है कि आपने परमेश्वर की धार्मिकता को हासिल नहीं किया। बहुत से लोगों को परमेश्वर की धार्मिकता का ज्ञान है, पर वो स्वयं धर्मी नहीं है। आप परमेश्वर के कैरेक्टर को जानते हैं, पर यदि वो कैरेक्टर आपके अंदर और मेरे अंदर नहीं है, परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में कार्य करेंगे? ब्रदर सिस्टर, बाइबल में अनेक ऐसे उदाहरण हैं। बाइबल में प्राचीन समय से लेके नए नियम में भी परमेश्वर के ऐसे कई दास दासी हुए, ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने चालचलन को सुधारा है और अद्भुत रीति से परमेश्वर के साथ चले हैं और बुराई में भी
वह जयवंत हुए। बाइबल बताती है मूसा के विषय में, गिनती 12 अध्याय 3 पद में, मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। मूसा कैसा था? पृथ्वी भर के रहने वाले लोगों में सबसे अधिक हम्बल व्यक्ति था, नम्र व्यक्ति था। ना वो यहां पर आपके लिए सवाल है, क्या आप नम्र व्यक्ति हैं? क्या आप हम्बल हैं? कहीं ऐसा तो नहीं जब तक शांतिमय हालात हैं तो आप शांत हैं, आप नम्र हैं, परंतु जब हालात आपके विपरीत होते हैं तब आप कैसे होते हैं? मूसा अपने स्वभाव के कारण ही परमेश्वर के हाथों में सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल किया है। परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल कर सकता है when you carry it to the beach। बाइबल अय्यूब के विषय में क्या बताती है? बाइबल बताती है अय्यूब 1 अध्याय 8 पद में, स्वयं परमेश्वर ने अय्यूब की गवाही दी। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। अय्यूब परमेश्वर का भय मानता था, वो स्वयं वही जीवन जीता था जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। नाउ चेक योर हार्ट, आप वही जीवन जीते हैं जो परमेश्वर को पसंद है? क्या आपका और मेरा चाचरण परमेश्वर के वचन के अनुसार है? चेक योर हार्ट माई ब्रदर माई सिस्टर, आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व, प्रभावशाली चाचरण जो वचन के आधार पर होता है, परमेश्वर से आपकी प्रार्थना को उत्तर पाने में सहायता करेगा, परमेश्वर के संग चलने में आपकी सहायता करेगा, परमेश्वर के राज्य को फैलाने में आपकी सहायता करेगा। कैरेक्टर इज इंपॉर्टेंट। परमेश्वर ने गवाही दिया अय्यूब मेरा भय मानता है। अय्यूब एक पवित्र व्यक्ति है, एक सीधा एक खरा व्यक्ति है, परमेश्वर स्वभाव को देखता। इवन बाइबल अब्राहम के विषय में भी बताती है, वो भी परमेश्वर के हाथ में एक अद्भुत व्यक्ति था अपने स्वभाव की वजह से। उत्पत्ति 22 अध्याय 12 पद में, उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भाई मानता है। ये परमेश्वर की गवाही अब्राहम के लिए। अब्राहम ने अपनी सबसे प्रिय चीज को भी अप्रिय जाना परमेश्वर के खाते। आप ऐसा करते हैं? परमेश्वर के लिए उसने अपना सब कुछ, अपना इकलौता पुत्र, मन्नतों से पाया हुआ पुत्र, बूढ़ी आयु में प्राप्त किया हुआ पुत्र परमेश्वर के खातिर बलिदान करना सोच लिया। क्या आप इस प्रकार से परमेश्वर के सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, प्रेम करने में, विश्वास करने में, उस पर भरोसा करने में? परमेश्वर चाहता है कि आप अब्राहम के समान। कैरेक्टर इज इंपॉर्टेंट। यह अब्राहम का स्वभाव था कि अपने जीवन में हर एक चीज से बढ़कर उसने ईश्वर को प्यार किया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया। बाइबल दाऊद के विषय में भी कहती है, ही वॉज अ इफेक्टिव वेसल फॉर गॉड बिकॉज ऑफ हिज कैरेक्टर। अपने स्वभाव की वजह से वो भी एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बन गया था परमेश्वर के हाथों में। जब परमेश्वर ने शाऊल राजा को अयोग्य जाना इज़राइल का राजा होने के लिए, और यहां लिखा है परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा, परमेश्वर ने शाऊल से कहा अब तेरा राज्य बना ना रहेगा, यहोवा ने अपने लिए ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पे प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। The Lord has sought for himself a man after his own heart. Bible भी कहती है कि दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार एक व्यक्ति था। परमेश्वर ने शाऊल राजा को अयोग्य जाना, लेकिन वह परमेश्वर के मन के अनुसार नहीं था, वह अपनी मर्जी को पूरा करने वाला व्यक्ति था। परंतु दाऊद हर बात में परमेश्वर की इच्छा पूरी करने वाला व्यक्ति था। एक समय पर उससे गलती हुई, पर उसके बाद एक बार पछताने के बाद उसने अपनी सारी जिंदगी वचन के अनुसार जी, उसने कभी ईश्वर को धोखा नहीं दिया। ब्रदर सिस्टर चेक योर हार्ट, अनेक गलतियां हमसे होती है, आपसे होती है, क्या आप उन गलतियों को बार बार दोहराते रहते हैं? या दाऊद के समान आप अपने चाल चलन को बदल लेते हैं, कभी ईश्वर के हृदय को ठेस नहीं पहुंचाते? और दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार एक पुरुष था जिसे सदैव अपने स्वभाव को, अपने आचरण को परमेश्वर की आवाज के अनुसार बना के रखा। He was a great man.
परमेश्वर आपको कुछ बना सकते हैं। He'll make you somebody special. Hallelujah. इसलिए प्रियो, ये बहुत जरूरी है कि हम जाने कि परमेश्वर चाहता है कि हमारा चाल चलन बदले। जब आपने यीशु मसीह के विषय में सुना है कि वो आपके पापों के लिए क्रूस पर मारे गए, हमारे दुख उठाया, कोड़े खाए, तब आपका मन बदलना चाहिए। यदि आपका मन बदला है तो आपका चाल चलन बदलना चाहिए। आपका चाल चलन बदलेगा तो आप परमेश्वर की सिद्ध भली भावती इच्छा को प्राप्त करेंगे और ये आपको अद्भुत बनाएगा, सामर्थ्य बनाएगा और एक आशीषित व्यक्ति में बदल देगा। एंड यू विल बी फ्रूटफुल। हालेलुया, यू विल बी फ्रूटफुल। इसलिए हमें किस प्रकार का जीवन जीना है? इफ यू रीड द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 8, फिलिपियों 4 अध्याय 8 पद में लिखा है, निदान हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। कैसे आपका कैरेक्टर, आपका आचरण, आपका कंडक्ट इफेक्टिव होगा? जब आप सत्य बातों पे ध्यान देंगे, अर्थात जो जो बातें सत्य। सत्य कौन है? कई लोग सीरियल्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं, थिएटर देखते हैं और कहते हैं ये सत्य घटना पर आधारित है। बाइबल में भी लिखा है हम सत्य बातों पे ध्यान लगाए तो वो इन सब चीजों को देखते हैं। माई ब्रदर माई सिस्टर, कहानियां सत्य हो सकती हैं, परंतु कहानियों में गुनाह हो सकता है, पाप हो सकता है, बैड कैरेक्टर रिवील हो सकता है। ब्रदर सिस्टर, ये वो कहानियां नहीं है, ये वो बातें नहीं है जो सत्य है। उनके अंदर भी पाप देखा जा सकता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अशुद्ध हो, आप अपराधियों, गुनहगार हो। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14 अध्याय 6 पद में, आई एम द वे द ट्रुथ एंड द लाइफ। सत्य केवल यीशु मसीह है, इसलिए मेरा और आपका ध्यान केवल यीशु की ओर होना चाहिए। आमीन, उसकी वचनों के अनुसार होना चाहिए। ये वो सत्य है जिस पर हमें ध्यान लगाना है। इवन बाइबल में अब हम आगे पढ़ते हैं, जो जो बातें आदरणीय है, यीशु को छोड़ और कौन आदरणीय है? जिसने हमारी क्रूस पर जान दी, उसी पर ध्यान लगाए। जो जो बातें उचित हैं, यीशु मसीह को छोड़ और कोई उचित बात हमारी नहीं हो सकती। जो जो बातें पवित्र हैं, बाइबल सेज ही इज होली। पिलातुस ने भी कहा मैं इसके अंदर कोई दोष नहीं ढूंढता, कोई दोष इसमें नहीं देख पाता। प्रभु यीशु पवित्र थे, उसी पर ध्यान लगा के रखें। जो जो बातें सुहावनी है, उनकी बातें सुहावनी है, उनकी वचनों में आशीष है, जीवन है। जो जो बातें मन भावनी है, हमारे जीवन को बदलता है, हमें अनंत जीवन देता है, वो मन भावना ईश्वर है, उसी पर ध्यान लगा के रखे। निदान जो जो सदगुण प्रशंसा की बातें, यीशु भरे हुए सदगुण और प्रशंसा से, इसलिए उनके पद चिन्हों पर चलना, उनके वचन के अनुसार अपने आप को ढालना, नए कैरेक्टर को डेवलप करना बहुत जरूरी। ब्रदर सिस्टर, ये वो संदेश है जो परमेश्वर की ओर से है कि कैसे आप परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता रख पाएंगे, कैसे आप एक इफेक्टिव रिस्पॉन्स देख पाएंगे परमेश्वर की ओर से। जब आपका कैरेक्टर बदलता है तो आप मात्र विश्वासी ना बने, चेला बने। विश्वासी मात्र विश्वास करता है, परंतु चेला अपने स्वामी का अनुसरण करता है। कम टू क्रॉस ब्रदर सिस्टर, क्रूस के पास आए, ठीक से पश्चाताप करें और जिन बातों के लिए आप पश्चाताप करते उनको दोबारा ना करें। वचन को प्रतिदिन पढ़ें, रोज, धीरे धीरे, बार बार, और वचन के आधार पर अपने जीवन को आप जिए। जैसे जैसे पवित्रता आज्ञाकारिता के माध्यम से आपके अंदर वास करेगी, धार्मिकता आप में वास करेगी, परमेश्वर का प्रभावशाली कार्य आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। आप रोज प्रभु से मिल पाएंगे, उनकी आवाज आप तक पहुंचेगी। हाँ, वो आपको कई बातों में मार्गदर्शन करेंगे, अपने सब सत्य से आपको रूबरू कराएंगे, वो आपको आलीशान बनाएंगे, बहुतों के लिए आशीष बनाएंगे, आपकी समस्त चिंताओं का निवारण हो जाएगा, आप अपने जीवन के हरेक कलेश पर जयवंत हो जाएंगे, आप एक अद्भुत व्यक्ति में बदल जाएंगे, आप सबके लिए आदर्श हो जाएंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें कि एक अद्भुत स्वभाव और एक अद्भुत आचरण आज आपके जीवन में परमेश्वर आने दे। जब आज आप प्रभु के पास आते हैं, सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं,
Your effective prayer is depend on your conduct, on your character, and God desire to give you a good character. Come to God. Come to Jesus. He'll make you somebody special. I am Prathnakar. Swargi Pita, आज जो संदेश मेरे प्रिय भाई बहनों ने सुना है और आप जितने भी लोग इस संदेश को देखकर मेरे साथ प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं और उनके लिए भी जो अपने घरों में बिस्तर में हॉस्पिटल में बीमार हैं प्रभु, और आज इस संदेश को देख रहे हैं और इस प्रार्थना में मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं उन सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। यीशु, इन्होंने आपके नाम का अंगीकार किया है और ये आप पर विश्वास भी रखते हैं, पर इन्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रकार से ये परेशानी में है, क्यों ये कलेशों का सामना कर रहे हैं। इतनी प्रार्थना वचन अध्ययन करने के बावजूद भी ये अपने जीवन में चमत्कारों को देख नहीं पाते। हाँ प्रभु, क्योंकि स्वभाव का बदलना, आचरण का बदलना, चाल चलन का बदलना बहुत जरूरी है। आपके वचन में लिखा है कि तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं। आज हे पिता, संदेश के द्वारा आपने इनके हृदय को छू लिया है, इनके जाने अनजाने में किए गए सभी पापों को क्षमा करें। यीशु प्रभु, अपने खून से आप इन्हें धो के शुद्ध करें। आज ही आप इन्हें एक नया मन, नया हृदय और नई आत्मा दें। आपके वचन को पढ़ने के लिए आप इन्हें बोझ दें, आपके वचनों को समझने के लिए आप इन्हें अपनी बुद्धि दें, आप इन्हें अपनी समझ दें, आप इन्हें अपना अनुग्रह दें। वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए आप इनकी सहायता करें। आप इन्हें अपने साथ एक मन एक चित करें, अपने व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक आर्थिक सेविकाएं के जीवन में एक अच्छे चार चलन वाले व्यक्ति दिख सके, एक प्रभावशाली स्वभाव इनका हो सके। आप इन्हें बदल दीजिए। मेक देम हैप्पी, मेक देम होली, मेक देम राइटियस जीसस, एंड यूज देम For your glory, for your kingdom. आज अपने जीवन में जितनी भी बातों में, जितनी भी हालातों में ये स्ट्रगल कर रहे हैं, हो सकता है प्रभु ये शारीरिक रीति से बहुत दुर्बल हो चुके हैं, बहुत बीमार हो चुके हैं, बहुत दवाइयां खा रहे हैं, बार बार हॉस्पिटल में प्रभु ये एडमिट रहते हैं, पर आज इस संदेश को सुनकर इनके चाल चलन में परिवर्तन आ जाए और ये आजाद हो जाए प्रभु अपने हर एक स्ट्रगल से। इनके शरीर में, आत्मा में, मानसिकता में जितनी भी बीमारी है प्रभु यीशु के नाम से मैं डांटता हूं, दूर हो जाए। यीशु प्रभु, आप इनको चंगा करें, आप इनको स्वस्थ जीवन की आशीष दें। प्रभु, आपके वचन के अनुसार जीवन को जीने के लिए आप इन्हें अनुग्रह दें और इनके जीवन के हरेक क्षेत्र में मैं चमत्कारों की घोषणा करता हूँ, आशीष की घोषणा करता हूँ। आप इन्हें अपनी सुरक्षा दें, हर एक पापमय स्वभाव, पापमय इच्छाएं, लालसाएं, बाप की इच्छाएं, मजर लाल से सब यीशु के नाम से दूर हो जाए। यू मेक देम क्लीन पर्सन, आप इन्हें एक साफ व्यक्ति में बदलते हैं, आप इनमें राज्य करें, आप इनके हृदय में आए, इनमें वास करें, इन्हें अपने जैसा बनाए। ओ प्रभु, आप इन्हें आशीष दे, प्लीज टच देम लॉर्ड एंड फिल देम विद द होली स्पिरिट, आपके पवित्र आत्मा से आपकी संतानें भर जाए, आत्मा से भर कर ये फ्रूटफुल हो पिता, अपने स्वभाव से आप इन्हें भर दे, इनके पाप में स्वभाव को मैं क्रूस पर कीलों से जड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम से। प्लीज यू चेंज देम एंड डिलीवर देम फ्रॉम ऑल देयर इविल हैबिट्स एंड इविल नेचर, मेक देम क्लीन पर्सन, डू ग्रेट मिरेकल्स इन देयर लाइफ। आप इन्हें नया व्यक्ति बना दे, इनके चाल चलन को बदल दे, और प्रभु जब भी आपसे प्रार्थना करें, वचन पढ़े, आपकी सिद्ध इच्छा को जान सके। यू टेक केयर ऑफ देम, ब्लेस योर चिल्ड्रन एंड ब्लेस एवरीवन। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना को सुना, आदर भी मैं आपको देता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमेन। ब्रदर सिस्टर, आई नो यू आर ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू।